नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आने वाले अगले महीने में ही आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच अब राजस्थान में भी चुनाव है और अब अरविंद केजरीवाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी भी गहलोत की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। सीएम गहलोत के लिए अब ओवैसी भी रास्ते का कांटा बनते हुए नजर आ रहे हैं और उनके लिए राजस्थान के रण को और ज्यादा तकलीफदायक और यूं कहिए कि डिफिकल्ट बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा आखिर हम क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने अब एक बयानबाजी की है, जिस बयानबाजी में उन्होंने राहुल गहलोत के वोटर्स के भी हीरो मोदी जी को बता दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, राहुल और गहलोत पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह कह दिया है कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत के वोटर्स के हीरो हैं पीएम मोदी। आखिर और क्या कुछ कहते नजर आए असदुद्दीन ओवैसी, विस्तार से सुनिए। तो ऑल इंडिया मजली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर में एक सभा को संबोधित किया। इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर शंकर निशाना साधा। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या तुमने 2019 के लोकसभा के चुनाव में जयपुर की पार्लियामेंट से तुमने क्या मोदी को वोट दिया, तो सब कहेंगे कि नहीं, हमने नहीं दिया। तो फिर बताओ यहां से कैसे बीजेपी कामयाब हो जाती, कौन भी बेईमानी से जरूर कामयाब होती या नहीं होती अलग बात है, मगर आप तो वोट नहीं दे रहे ना बीजेपी को, तो फिर कैसे कामयाब होती। तो मालूम हुआ कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर अपना हीरो मानता है और उनको वोट दे देता है। और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे सामने आकर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया। मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ, मैं तो पहली मर्तबा राजस्थान में आकर इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो पहले बीजेपी किसकी वजह से जीती, बीजेपी के पूरे एमपी कैसे कामयाब हो गए, तो इसका जवाब कांग्रेस वाले नहीं दे पाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत का वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना हीरो मानता है। ओवैसी ने अपने ऊपर वोट काटने के लगने वाले आरोपों का भी मंच से जवाब दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपका यानी कांग्रेस अब मकसद पीएम मोदी को हराना है, तो मेरा भी लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी दोबारा कभी पीएम नहीं बने। उन्होंने आगे कांग्रेस से जो है सवाल किया। सवाल करते हुए उन्हें कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि मेरी पार्टी तो यहां से पहली बार चुनाव लड़ने आ रही है, लेकिन फिर भी यहां से बीजेपी कैसे जीत गई, 2019 के लोकसभा चुनाव में कैसे यहां के सारे सांसद बीजेपी के ही चुने गए। कांग्रेस इसका जवाब नहीं दे पाएगी। AIMIM प्रमुख ने कहा कि अगर आपका मकसद पीएम मोदी को हराना है, तो मेरा मकसद भी उसी तरीके का है, मेरा मकसद भी जो है सेम ही है। उन्होंने कहा कि अगर मैं यहां की जनता से पूछूं कि आपने क्या बीजेपी को वोट दिया है, हर कोई इससे इनकार कर देगा, लेकिन फिर यहां से बीजेपी कैसे जीत रही है। उन्होंने आगे इसकी वजह बताते हुए कहा कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत का वोटर पीएम मोदी को अपना हीरो मानता है, यही वोटर जाकर पीएम मोदी को वोट दे देता है। ओवैसी ने कहा कि जब हम यहां आकर चुनाव लड़ते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि ओवैसी यहां पर वोट काटने आए हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं तो यहां पर पहली बार चुनाव लड़ने आ रहा हूं, लेकिन फिर भी यहां से बीजेपी कैसे जीत रही है। 2019 में जब यहां पर लोकसभा चुनाव हुए, तो राजस्थान की 25 सीटों से बीजेपी के ही सांसद कैसे चुनकर संसद पहुंचे। कांग्रेस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस इसका जवाब जानती ही नहीं होगी। तो अब देखिए कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भड़के हुए नजर आए, कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने जो है कई तरह की अपने तरफ से बातें कही, सेम बातें ही वो दोहराते नजर आए। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में है, तो बीजेपी बार बार आखिर कैसे जीत जा रही है। अगर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को राहुल और गहलोत के जो वोटर हैं वो पीएम मोदी को अपना हीरो मानते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ आकर चुनाव लड़ते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि ओवैसी यहाँ पर वोट काटने आए हैं, मतलब
अपनी बात आगे करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ आता हूँ उसके बाद जब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो ये कहते हैं कि तो वोट काटने आया है, ये इनका वोट काटेगा, उनका वोट काटेगा। तो ये लोग कहते हैं कि वैसे यहाँ पर वोट काटने आए। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैं तो यहाँ पर पहली बार चुनाव लड़ने आया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर बीजेपी कैसे जीत रही है? 25 सीटों में बीजेपी के सांसद कैसे चुनकर जब संसद पहुँच गए हैं, इसका कोई जवाब दे सकता है क्या? अब ऐसे में आप देखिए कि राजस्थान का रण जो है वो मुश्किल होने वाला है। इसके पीछे का कारण ये है कि राजस्थान में आंतरिक कला का मामला बहुत जोर शोर से पे है, और अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में जो ओवैसी है अब वो भी उनकी एंट्री हो गई है। केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर अब चुनाव लड़ने की बात कही है, तो केजरीवाल भी वहाँ पर जाके कई सारी बयानबाजियाँ कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वोटर्स को खुश करने का जो है प्रयास कर रही हैं। ओवैसी की बात करें तो अब आपको बता दें कि ओवैसी की लिस्ट भी जारी की है, अब ओवैसी भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा जो है करने, ओवैसी काफ़ी समय से राजस्थान की राजनीति में एंट्री करने के लिए अपनी सक्रियता दिखा रहे थे। उन्होंने राजस्थान में भी अपनी सभाओं के दौरान संकेत दिए कि राजस्थान विधानसभा में उनकी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों पर हमला करते हुए खुद की पार्टी को दूसरे मोर्चे के रूप में जो है बेहतर एक विकल्प भी बताया था। अब ओवैसी जो है 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं, तो सक्रिय हो गए हैं, काफी नजर आ रही हैं। अब उन्होंने टोंक समेत कई क्षेत्रों में अपनी चुनावी सभा जो है वो भी की है। अब बीजेपी और कांग्रेस की उम्मीदवार की लिस्ट आने के बाद भी उन्होंने 3 उम्मीदवार की घोषणा की है। इसमें आपको बता दें कि जयपुर के हवा महल सीट से जलीम खान, सीकर के फतेहपुर से जावेद खान और भरतपुर कामा से इमरान नवाब को जो है AIMIM की तरफ से जो है अगर आप कहेंगे उम्मीदवार बनाया गया है। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि और भी नाम सामने आएंगे, यानी वो और भी उम्मीदवार उतारने वाले हैं। तो अगर देखेंगे तो जो पहले राजस्थान में जो कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी है और पहले लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था, लेकिन अब ये मुकाबला जो है पूरी तरीके से बट चुका है। अब इसमें कांग्रेस भी है, इसमें बीजेपी भी है, उसमें ओवैसी की पार्टी भी है और इसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी भी है। तो अब जो वोट है ये इस तरीके से बटेंगे, यानी कहेंगे कि अगर एक पूरी पार्टी को मेजोरिटी भी मिल पाना बहुत मुश्किल लग रहा है, और खासकर कांग्रेस को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि पार्टी ज्यादा है, हर जगह हर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाह रहा है, हर जगह हर व्यक्ति चाह रहा है कि अब मजबूती से जो है चुनाव लड़े, अपनी जो है दावेदारी दिखाए, अपना दबदबा ठोके। और ऐसे में जो मेन अगर आप कहेंगे कि पार्टी है, ऐसे में जो मेन व्यक्ति है, जो मेन पार्टी वहां पर रही है, उनके लिए उस लेवल का वोट अक्वायर कर पाना, उस लेवल का जन समर्थन अक्वायर कर पाना मुश्किलों भरा होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखेंगे सीट शेयरिंग को लेकर भी रैलियां निकाली जा रही है, काफी बवाल भी किया जा रहा है। अब ऐसे में देखेंगे बीजेपी वाले की तरफ से भी हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है, जिस प्रत्याशियों के नाम शामिल किए जा रहे हैं, लिस्ट जारी किए जा रहे हैं, उससे इनके खुद के लोग सेटिस्फाइड नहीं है, इनके खुद के लोग जो है इससे खुश नहीं है कि जो नाम है चीजें और बातें जो है सामने आ रही है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो नाम है या फिर चीजें है ये क्यों रखी जा रही है, क्यों करना है। तो तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। और इन सब बयानबाजियों के बीच में अगर देखेंगे तो ओवैसी की ही मुश्किलें बढ़ रही है, ओवैसी ही इस मामले में परेशान होते हुए दिख रही है, और ओवैसी अब इसमें आकर गहलोत और राहुल गांधी पर तो निशाना उन्होंने साधा ही, साथ ही पीएम मोदी को जो है उन्होंने काफी बड़ा बताया। उन्होंने पीएम मोदी को ही कह दिया कि अब गहलोत और राहुल गांधी के जो भी फॉलोअर्स हैं, जो उनको मानते हैं जानते हैं या जो वोटर्स हैं, उन सभी के जो ऐड है, उन सभी के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ही संकेत दे दिया है कि राजस्थान में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी का जो आप कहिए बोलबाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलबाला है, और बीजेपी की पकड़ मजबूत होती जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस में अब केजरीवाल के बाद असदुद्दीन के ओवैसी, राहुल और गहलोत का समीकरण जो है बिगाड़ने के लिए देखने के लिए मिल रही है, जहां पर मोदी को लेकर और राहुल गांधी और अशोक गहलोत के वोटरों का जो आका है उसे मोदी को वो बताते नजर आए। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।